अगस्त 6, 1945 और अगस्त 9, 1945 यह दो दिन मानव इतिहास के सबसे बड़े भूलों में से एक साबित हुए। ऐसी भूल जिसके बाद से मानव कितना घातक हो सकता है उसका चित्र अच्छे से विश्व समक्ष प्रस्तुत हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुआ उसने मानव कितना निर्दय हो सकता है उसका उदाहरण अमेरिका द्वारा डेडली मूव से पता चलता है। चंद सेकेंड्स में तकरीबन 2,00,000 जैपनीज भाप हो गए। यह तो सिर्फ मौत के आंकड़े हैं, परंतु इस विस्फोट से और कितनी जाने प्रभावित हुई और शायद आज भी हो रही है इसका अंदाजा शायद ही कोई हिस्टोरियन बता सके। मानव में एक गुण बहुत ज्यादा खराब है और वह है भूलों से ना सीखना। इतने बड़े विनाश से जहां उन्हें थमना था वहीं कई राष्ट्र परमाणु शक्ति बनने के होड़ में थे। कुछ देश आत्मरक्षा के लिए खड़े हुए तो कुछ राष्ट्र अपना प्रभाव और वर्चस्व स्थापित करने के लिए। वजह कुछ भी हो परंतु शक्तिशाली राष्ट्र की परिभाषा परमाणु के अस्तित्व से ही हुई। 1949 में यूएसएसआर न्यूक्लियर स्टेट बना और वजह सिंपल थी, कोल्ड वॉर अगेंस्ट यूएसए और दुनिया को यह भी दिखाना था कि सिर्फ यूएसए वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं कर सकता। इस रेस में भला यूके पीछे कैसे रहती। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 सेंटर में रहने वाला देश भी प्रभाव डालने के मूड में थी और खुद भी न्यूक्लियर स्टेट बना 1952 में। फ्रांस भी इकोनॉमिक स्टेबल हमेशा से रहा तो पार में क्यों नहीं। तो बस 1960 में फ्रांस 4th न्यूक्लियर स्टेट बना और उसके बाद 1964 में अपॉर्चुनिज्म की राजनीति करने वाला चाइना ने भी इस लीग में अपने आप को स्थापित किया और खुद को 5th न्यूक्लियर स्टेट बनाया। न्यूक्लियर स्टेट बढ़ते हुए देख यूएसए ने एक नई समिति का गठन किया जिसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहा गया। न्यूक्लियर अम्ब्रेला अर्थात यूएस ने गारंटी दी कि स्वयं यूएस उन्हें अन्य देशों के न्यूक्लियर थ्रेट से बचाए रखेगा। यह इनडायरेक्ट नीति भी यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि अन्य देश न्यूक्लियर स्टेट में परिवर्तित ना हो ताकि यूएसए का कुछ हद तक दबदबा बना रहे। यूएसए ने इसके बाद जिन राष्ट्रों से वे आसानी से निपट सकते थे उनसे ट्रीटी साइन करवाया कि वे फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। लगभग बड़े से बड़े व छोटे देश ने यह ट्रीटी साइन की, परंतु भारत, पाकिस्तान और इसराइल ने वर्ल्ड फोरम में इसका विरोध किया और यह ट्रीटी साइन करने से इनकार किया। तीनों राष्ट्र ने यह बात रखी कि उनका उस वक्त न्यूक्लियर प्रैक्टिस का कोई इरादा नहीं, परंतु आगे वह प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई पुख्ता गारंटी भी उन्होंने न दी। भारत ने 1947 में अपने आप को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया और भारत यह अच्छे से समझ चुका था कि स्वावलंबी ना होने की कीमत क्या हो सकती है। भारत 1998 में न्यूक्लियर पावर बना, यह सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष जो 1947 से हुआ वह जानना आज सबके लिए बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्री अटल बिहारी वाजपेयी सबने न्यूक्लियर पावर बनने की जिद पकड़ी और उसके पीछे वर्ल्ड पावर बनना नहीं परंतु खुद की आत्मरक्षा का हेतु था। आइए जानते हैं कि 1947 से 1998 में अलग अलग प्रधानमंत्रियों को किन किन समस्या और डिप्लोमेटिक प्रेशर का सामना करना पड़ा। बने रहिए 5 दशक के अनसंग स्ट्रगल को जानने के लिए। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। सालों तक भारत गुलामी के बेड़ों में जकड़ा था। स्वतंत्र होते ही भारत व उसकी जनता अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती थी। शायद यही कारण था कि महज आजादी के 8 महीने पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया और इसी के साथ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और यह वह समय था जहां न्यूक्लियर व उसके संबंधित बात हो तो तमाम राष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम ही नजर आता था। परंतु यह इरादा पंडित जी का न था, परंतु परमाणु बम बनाना नहीं चाहते थे
ऐसा भी नहीं था। क्लीन एनर्जी नेहरू जी की सबसे प्रथम प्राथमिकता थी। नेहरू जी बॉम्ब बनाना नहीं चाहते थे, परंतु बॉम्ब बनाने की काबिलियत जरूर विकसित करना चाहते थे। 15 अप्रैल 1948 में संविधान सभा में उन्होंने एटॉमिक कमीशन के संदर्भ में कोट करते हुए कहा कि हम एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल पर्पस के लिए उपयोग करना चाहते हैं, परंतु हाँ, किसी भी दुश्मन राष्ट्र ने हमें मजबूर किया तो चाहे हम जितनी भी शांति की बातें कर लें, युद्ध परिस्थिति में हमें परमाणु का इस्तेमाल करने से फिर कोई रोक ना पाएगा। इन शॉर्ट, नेहरू जी भारत और खास करके अपने सरकार को कमजोर पिक्चराइज करना नहीं चाहते थे। सन 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, जिसका नेतृत्व डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कर रहे थे। इस कमीशन की खास बात यह थी कि यह कमीशन को डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना था। अब अगर वर्ल्ड डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत का स्टैंड कुछ खास न था। विकसित देशों के सामने भारत का अस्तित्व ना के बराबर था। यह सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत एटॉम बॉम्ब बना सकता था? तो इस सवाल के जवाब में 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और होमी बाबा के बीच एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंडित जी ने डॉक्टर भाभा से पूछा कि अगर बॉम्ब बनाने का मन बने तो कितने समय में बॉम्ब बन जाएगा। जवाब में सर भाभा ने फर्म रिप्लाई देते कहा, तकरीबन 2 साल। नेहरू जी कुछ देर तक कुछ ना बोले और कुछ देर तक विचार करने के बाद भाभा से बोल पड़े, ठीक है, परंतु जब तक मैं बॉम्ब बनाने के लिए ना संकेत दूं तब तक आप कुछ करिएगा नहीं। इस कॉन्वर्जेशन से यही कयास लगा सकते हैं कि नेहरू जी आने वाले थ्रेट्स की तैयारी में थे। परंतु उसी साल 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ और इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। भारत जवानों ने पूरे हुंकार, जोश से, साहस से अपना कार्य किया, परंतु सरकार की नाकामयाबी ने इस हार को सुनिश्चित किया। इस झटके के 2 साल बाद एक और झटका भारत को मिला, जब 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर पावर हासिल किया। दुश्मन देश अब न्यूक्लियर पावर था। समय की गति आगे बढ़ती गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद भारत राष्ट्र की कमान मिली श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आते वे संकट से घिरे और यह संकट था पाकिस्तान। युद्ध जैसी परिस्थिति बनी पड़ी थी और यहां दूसरी तरफ होमी बाबा जी का न्यूक्लियर पावर होने की इच्छा भी थी, परंतु यहां लाल बहादुर शास्त्री जी को परमाणु बॉम्ब के विषय में शुरुआती समय में रुचि न थी, क्योंकि समस्याएं और भी थी। परंतु बाबा जी इस बात पे अड़िग थे कि यही सही समय है न्यूक्लियर पावर बनने का। यहां तक तो ठीक था, परंतु होमी भाभा ने पब्लिक में यह तक कह डाला कि भारत 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, और इसके पश्चात उन्होंने रेडियो में एटॉम बॉम्ब के पक्ष में भाषण तक दे डाला। यह बात श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को अच्छी ना लगी और दूसरी तरफ चीन एटॉमिक बॉम्ब पर प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहा था। उस वक्त की जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टीज ने एटॉम बॉम्ब बनाने का जोर शोर से प्रस्ताव रखा और आखिरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने संविधान सभा में हालात की जरूरत को समझते हुए एटॉम बॉम्ब बनाने की इच्छा प्रस्तुत की। परंतु समय शायद भारत के खेमे में न था। 1966 के 11 जनवरी में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई और उसी के कुछ दिनों बाद 24 जनवरी 1966 में होमी भाभा जी की प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई। एक के बाद एक समय बदला और 1966 में 24 जनवरी को भारत के भागदौड़ को संभालने के लिए सज हुई श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। वहीं होमी भाभा जी की जगह न्यूक्लियर एनर्जी की भागदौड़ श्री विक्रम साराभाई को सौंपी गई। श्री विक्रम साराभाई परमाणु परीक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। होमी भाभा जी जहां परमाणु परीक्षण के लिए पुरजोर समर्थन में थे, वहां विक्रम साराभाई का रुख उनसे बिल्कुल अलग था। शुरुआती समय में श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनके विचार से प्रभावित व सहमत थी, परंतु साल 1968 में उनका विचार एकाएक देश के सीमा पार हो रहे गतिविधियों के चलते बदला।
1968 में उन्होंने सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने के ऑर्डर दिए। इसका एक सीधा कारण यह भी जाना जाता है कि यूएसए ने न्यूक्लियर अम्ब्रेला का गठन किया, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, नाटो नेशंस जैसे कंट्रीज आते हैं, जिन्हें यूएसए गारंटी देता है न्यूक्लियर थ्रेट से बचाने की। जिसमें भारत को न्यूक्लियर अम्ब्रेला की गारंटी न मिली, जिसका सीधा अर्थ यह था कि वी वर ऑन आवर ओन। एक दूसरा कारण यह भी था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ गतिविधि व षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहा था। इंदिरा गांधी जी यह जानती थी कि आगे समस्या और भी बढ़ेगी। ऐसा हुआ भी सन 1971 इंडो पाक वॉर में। 1971 की जंग बहुत ही भयानक रही और इस जंग में परंपरा अनुसार पाकिस्तान की हार और भारत की जीत हुई। जीत भारत की हुई तो, परंतु आगे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, भारत उसकी तैयारी अभी से ही करना चाहती। इसलिए सन 1974 में पोखरण की धरती पर भारत ने अपने प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण को अंजाम दिया। इस परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह एक अत्यंत सफल परीक्षण निकला। इस परीक्षण ने भारत क्या कर सकता है उसका एक बेहतरीन नमूना विश्व को दिखाया। अमेरिका की सीधी नजर इस परीक्षण पर पड़ी। इंदिरा जी ने वर्ल्ड फोरम में इस टेस्ट के बारे में कहा कि यह परीक्षण एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। लेकिन यहां अमेरिका यह मानने को तैयार न थी कि भारत की मंशा सिर्फ और सिर्फ पीसफुल और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए परीक्षण था। अमेरिका सहित कई देश यह मान रहे थे कि भारत छुपा छुप के बॉम्ब की तैयारी कर रहा है और इसके चलते कई राष्ट्र भारत को कोवर्ट न्यूक्लियर पार तक बुलाने लगे। समय की गति आगे बढ़ती रही और फिर आई सरकार पेमुलापर्थी वेंकटा नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव के बारे में यह कहा जाता है कि वे अटॉम बॉम्ब टेस्ट करना चाहते थे। वे हमेशा से इस पक्ष में थे कि अटॉम बॉम्ब भारत के पास होना ही चाहिए, परंतु वे यह भी चाहते थे कि अटॉम बॉम्ब के परीक्षण का समय वे खुद तय करें, ना कि वैज्ञानिक। उनके मत अनुसार वे टेस्ट तभी करेंगे जब पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिकल और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यह सब फैक्टर्स उनके फेवर में हो। नरसिम्हा राव ने वैज्ञानिकों को तैयारी के ऑर्डर्स दे दिए थे। इसमें थर्मोन्यूक्लियर और हाइड्रोजन बॉम्ब भी शामिल थे। नरसिम्हा राव बेसिकली यह भी चाहते थे कि तैयारी इस तरह से हो कि जब वे फाइनल टेस्ट को गुड टू गो कहें, तब सारी तैयारियां 10 दिन में हो जाए। तैयारियां यहां शुरू हुई, परंतु एक मेगा ट्विस्ट आया। अमेरिका को भनक लग चुकी थी कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देने की ओर है। अमेरिका यहां सैटेलाइट्स और खुफिया जानकारी के सारे रिपोर्ट्स पीएमओ को सौंपे और यह टेस्ट ना करने का भारी जोर नरसिम्हा राव को किया। हालांकि यह प्रश्न डिबेटेबल है कि नरसिम्हा राव ने आगे क्या किया। नरसिम्हा राव ने अमेरिका के दबाव के चलते टेस्ट करने से मना कर दिया, परंतु कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वैज्ञानिक समय चलते टेस्ट की तैयारी न कर पाए और जब तक तैयारी पूरी करते इलेक्शंस सर पे आ चुके थे और यहां सरकार पर बड़ा प्रेशर था कि चुनाव की तैयारी करें कि अटॉम बॉम्ब को अंजाम दें, जिसकी यह गारंटी भी न थी कि टेस्ट के बाद यह परीक्षण चुनाव जिताएगा भी या कोई फायदा नहीं करवाएगा। लेकिन ज्यादातर सूत्र यही कहते हैं कि वैज्ञानिक तैयार न थे और उन्हें तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक का समय चाहिए था। इसलिए नरसिम्हा राव ने अमेरिका को कहा कि हम टेस्ट नहीं करेंगे और उनके सरकार को कॉन्फिडेंस में लाते कहा कि भारत का पूरा फोकस आने वाले चुनावों पर है। परंतु नरसिम्हा राव पीछे से वैज्ञानिकों के सपोर्ट पर थे और परीक्षण का काम पूरा हो उस पर जोर दे रहे थे। एक तरीके से उन्होंने अमेरिका को बेवकूफी बनाया था। खैर, चुनाव के नतीजे सामने आए और नरसिम्हा राव चुनाव हारे। नतीजा, सरकार गिरी। नरसिम्हा राव की सरकार गिरी और सत्ता में आए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरसिम्हा राव ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एटॉमिक परीक्षण की बात करते कहा कि परीक्षण की सारी तैयारियां हमने कर दी है,
आप अगर चाहें तो टेस्ट 10 दिन या 15 दिन के भीतर हो सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी तैयार थे एटॉमिक परीक्षण के लिए? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इस बात से ही पता लगाया जा सकता है कि सरकार में आते ही दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टेस्ट को मंजूरी दे दी। मित्रों, यह एक्ट भी यह दिखाता है कि सालों पहले न्यूक्लियर परीक्षण पर जोर दे रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने इरादे के कितने मजबूत थे कि सरकार आते ही परीक्षण के लिए कमर कस चुके थे। परंतु समय भारत की और परीक्षा लेने वाला था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते 13 दिनों के भीतर ही गिर गई और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को एटॉमिक टेस्ट न हो पाने का जोरदार झटका लगा। वैज्ञानिकों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। वैज्ञानिक बिना अथॉरिटी के इतने बड़े डिसीजंस को अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए टेस्ट टल गए। जसवंत सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में यह कहा कि वाजपेयी जी ही उनके पास आए थे और बहुत ही दुखी मन से बोल पड़े कि काश हमारी सरकार चंद दिनों के लिए और चल जाती तो यह टेस्ट हम करके दिखाते। वाजपेयी जी की सरकार 13 महीनों के बाद फिर वापस लौटी, परंतु इस बार भी मिलावट की सरकार थी। छोटे छोटे पार्टीज ने फिर अपना समर्थन वापस खींचा, परंतु जैसे सूर्य अस्त होता है पुनः उदय होने के लिए, वैसे ही 18 मार्च 1998 में वाजपेयी जी की फुल फ्लेज सरकार आई। सरकार आते ही वाजपेयी जी की जिद वापस आई भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाने की। वाजपेयी जी ने तत्कालिक डॉक्टर अवुल पाकिर, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से उनकी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी। उसके बाद 20 मार्च 1998 में वापस तीनों के बीच एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करने को कहा गया, परंतु अब भी टेस्ट को ग्रीन सिग्नल न मिला। परंतु 28 मार्च 1998 में वाजपेयी जी की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विश्वास मत के वजह से ही पिछली बार टेस्ट न हो पाए थे, परंतु अब किसी बात की रुकावट न थी एंड दे वर गुड टू गो। 9 अप्रैल 1998 में वापस से प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई जिसमें वाजपेयी जी डॉक्टर कलाम से टेस्ट की तारीख पूछी। डॉक्टर कलाम जी ने उत्तर देते कहा कि एक महीने के भीतर यानी 10 मई को टेस्ट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश शर्मा के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम को कोऑर्डिनेट करने को कहा। अगले दिन मीटिंग हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा ने 11 मई 1998 में टेस्ट करने की स्वीकृति दी। पहले 10 मई को टेस्ट होना था, परंतु समय बदला गया क्योंकि 26 अप्रैल से 10 मई तक प्रधानमंत्री श्री लैटिन अमेरिका के यात्रा पर होने वाले थे और 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था क्योंकि उस वक्त आर चिदंबरम की बेटी की शादी थी। अगर चिदंबरम जी शादी में मौजूद न होकर टेस्ट में शामिल होते तो यह शक का कारण होता जिससे मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता था। इसलिए 11 मई 1998 में टेस्ट की तारीख तय हुई और यह दिन बुद्ध पूर्णिमा का था और ऑपरेशन शक्ति से जाने जाने वाला था यह मिशन। मिशन के लिए यह उचित दिन था। कुछ दिनों बाद टेस्ट की तैयारियां शुरू हुई, परंतु यहां खतरा व चैलेंज पहले से ज्यादा था। इसका कारण था अमेरिका और पाकिस्तान। अमेरिका लगातार भारत पर खास के पोखरण पर सैटेलाइट थ्रू निगरानी रखते थे और ग्राउंड लेवल की बात करें तो आईएसआई सीआई के साथ मिलकर काम में लगी थी और उनके स्पाइस जगह जगह फैले थे। ऐसे में साइंटिस्ट की टीम खुले आम काम नहीं कर सकती थी क्योंकि एक्सपोज होने का डर था। इसलिए आर्मी कैंप होने के कारण सारे साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म में अपने काम को अंजाम देते और सैटेलाइट से बचने के लिए वे ज्यादातर रात के समय में काम करते थे।
पोखरण के जानलेवा गर्मी से बचने के लिए और उन कुछ समय के लिए सैटेलाइट्स का ब्लाइंड स्पॉट होता था, अर्थात उस पर्टिकुलर समय में सैटेलाइट्स की कोई निगरानी नहीं होती थी। इसके बाद भी सारे वैज्ञानिकों को उनके नाम से नहीं परंतु दिए हुए कोड नेम से एड्रेस किया जाता था। और तो और स्पाइस को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम की नियुक्ति हुई थी, परंतु इतने सारे चैलेंजेस और अमेरिका के हस्तक्षेप के बावजूद भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिखाया। भारत ने पोखरण की धरती पर 1545 टाइम पे 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कंडक्ट किए। यह टेस्ट से भारत ने अपने आप को भी न्यूक्लियर स्टेट की सूची में शामिल किया। इस टेस्ट से अमेरिका इतना बौखलाया कि उसने यूरोपियन यूनियन के साथ कई इकोनॉमिक सैंक्शंस भारत पर इंपोज किए। लेकिन यह अब वो भारत बन चुका था जिसे यह सैंक्शंस रोक नहीं सकते थे। परंतु इसके कुछ दिनों बाद अमेरिका का दोगला चेहरा भी सबके सामने आया। पाकिस्तान ने महज 2 हफ्तों बाद राजचौक की धरती पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं? एक सही ढंग से गड्ढा खोदने के लिए भी समय लगता है, तो फिर महज भारत के टेस्ट के 15 दिन में ही पाकिस्तान कैसे टेस्ट कर पाया? ऐसे साफ साफ अमेरिका का दोगला चरित्र दिखता है। जरा सोचिए, अगर भारत के पास न्यूक्लियर पावर ना होता तो धोखेबाज निर्लज और कुकर्मी पाकिस्तान भारत पर कितना धौस जमाता, और अगले साल हुए कारगिल युद्ध में क्या भारत को क्षति पहुंचाए बिना रहता? धन्य है भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया से लड़कर भारत को उसके ताकत का परिचय दिलवाया। आज हम यूक्रेन रशिया वॉर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह यूक्रेन ही था जिसने रशियन न्यूक्लियर अम्ब्रेला में खुद को शामिल कर अपने न्यूक्लियर ताकत को उन्हें सौंपा, और आज नतीजा बिल्कुल सबके सामने है। अपनी सुरक्षा हमें खुद सुनिश्चित करनी होती है। कोई और राष्ट्र आपको साथ देने का वादा करे और आप अगर उसके भरोसे में रहे तो यूक्रेन जैसी हालत निश्चित है। हम सब भारतवासियों को धन्यवाद करना चाहिए 1947 से न्यूक्लियर पावर बनाने में लगे सभी प्रधानमंत्री व साइंटिस्ट का, जिन्होंने कोशिश करके एक सपना देखा और उसे पूरा करने में जी जान से लगे। आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर ऐसे ही किसी रोचक कहानी के तलाश में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।